आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज़। कोरोना वायरस ने आर्थिक पटरी को तोड़ दिया है। इसी वजह से जो लोग बिजनेस कर रहे थे या अपना कारोबार कर रहे थे, उन्हें भारी तादाद में नुकसान हुआ है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं, तो आपने भी इस परेशानी का हल ढूंढते हुए बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया होगा, लेकिन आप में से कई लोगों को लोन नहीं मिल पाया होगा। पर क्या आपको लोन ना मिल पाने के पीछे वजह पता है? अगर नहीं, तो आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारी इस वीडियो में देंगे। जब भी आप किसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक ये देखता है कि क्या आप समय पर इंटरेस्ट समेत लोन चुका पाएंगे या नहीं। लोन देने वाला बैंक यानी लेंडर आपकी प्रोफाइल खंगालेगा और उसके बाद ही आपको लोन देने का फैसला लेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में बैंक को कुछ कमी नजर आती है, तो आपको बैंक लोन मिलने में देरी हो सकती है। लेकिन आपको बैंक लोन देने से मना कर दे, तो समझ जाइए कि आपका क्रेडिट स्कोर से जुड़ा कोई मामला है। अब दूसरा सवाल ये है कि लोन लेने के लिए आपके पास क्या जरूरी होना चाहिए। तो हर महीने आपको जो सैलरी मिलती है, उसकी सैलरी स्लिप या फिर आपके पास अपनी सैलरी से जुड़ा कोई सबूत होना चाहिए। अगर आपका कोई कारोबार है, तो आपका ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न देखकर ही बैंक आपको लोन देगा। लोन लेने में आपकी उम्र भी काफी जरूरी भूमिका अदा करती है। अगर आप एक नौजवान हैं और आपने हाल ही में जॉब शुरू की है, तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। वहीं अगर रिटायर्ड शख्स लोन लेता है, तो उसे लोन मिलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोन की क्षमता आपके पहले वाले लोन पर भी निर्भर करती है। मान लीजिए कि आपकी मंथली सैलरी 20,000 है, आपने पहले से कोई लोन लिया हुआ है जिसकी EMI 4,000 महीने जा रही है। इस हिसाब से आपकी मंथली सैलरी 16,000 कैलकुलेट कर आपको 4,000 मासिक किस्त के करीब का लोन दे दिया जाएगा। आशा है इस जानकारी से आपको लोन लेने में मदद मिलेगी। स्पार्क न्यूज़ के लिए जयंती झा की रिपोर्ट। तो अगर आपके दिमाग में इस वीडियो को देखने के बाद कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।